ऑल राइट, एक सेकंड रुकिएगा, सुनील साजन और अखिलेश प्रताप सिंह, पहले सुनील साजन। सुनील, क्या दिक्कत है? राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं क्यों बचाते हैं आप ऐसे लोगों को जिनके निर्माण भी अवैध हैं और किसी केस में वो आरोपी भी हैं। सुनील देखिए मानव जी, समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी का कोई नेता किसी आरोपी के पक्ष में कभी नहीं खड़े हुए, कभी बलात्कारी के पक्ष में कभी नहीं खड़े हुए, और ना हम चाहते हैं कि कोई अगर गलत है जो कानून तोड़ रहा है उसको राहत मिले। लेकिन हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार इस बात को कहा कि बुलडोजर के दिमाग नहीं होता है, उसके आंख भी नहीं होती है, चलाने वाला जिधर चला दे उधर चलने लगता है। अगर हम राजनीतिक बात कहें तो ठीक है, 2 साल ये और चला ले उसके बाद फिर हम चलाएंगे, लेकिन ये राजनीतिक बात हो गई। लेकिन जो कानूनी है, जो कानून कहता है, क्योंकि राजनीतिक बात नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं सुनील, आप कितना संवेदनशील गंभीर मुद्दा है, आप कह रहे हैं हम चलाएंगे, किस पर चलाएंगे आप? मैं तो ये कह रहा हूं ना कि अगर हम राजनीतिक बात कहें, राजनीतिक में भी किस पर चलाएंगे बताइए, कैसी बात कर रहे हैं आप, किस पर चलाएंगे? वो जब हम चलाएंगे तब आप डिबेट कर लीजिएगा। हम बुलडोजर के खिलाफ है, हम कह रहे हैं, हम बुलडोजर चलाने की बात नहीं कह रहे, अभी तो कह रहे हैं हम चलाएंगे, फिर आप कह रहे हैं उसके खिलाफ है। अरे भाई आप नहीं समझ रहे, आप हमें पूरा बोल लेने देंगे तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि आपने अधूरी बात सुनी और आपने काउंटर कर दिया। बोलिए। मैंने कहा कि अगर हम राजनीतिक बात करें तो हम कह देंगे भाई ठीक है हमारा समय आएगा हम चलाएंगे, लेकिन वो गलत, गलत हमेशा गलत होता है। ओके। हम गलत के पक्ष में नहीं खड़े हैं, वही बात कह रहे हैं। अगर हम आज बुलडोजर का विरोध कर रहे हैं ये नहीं कल आ जाएंगे तो हम बुलडोजर के पक्ष में हो जाएंगे या बुलडोजर अच्छा हो जाएगा। बुलडोजर कभी भी जो विध्वंस करने वाली सामग्री है या मशीन है वो कैसे निर्माण कैसे कर सकती है। एक दूसरी बात, अभी मैं राकेश जी को सुन रहा था, मान लीजिए राकेश जी अपने पिताजी के घर में रह रहे हैं, इनसे अपराध हो गया तो सरकार क्या इनके पिताजी का घर गिरा देगी? ये अपने भाई के घर में रह रहे हैं और इनके भाई का घर गिर जाएगा, ये कौन सा कानून? फिर आप कह रहे हैं कि अवैध निर्माण, तो आप उन अधिकारियों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की जब वो अवैध निर्माण हो रहा था और अधिकारियों ने करने दिया? आप कहते हैं कि इसका नक्शा पास नहीं है, तो आखिर जब वो घर बन रहा था, मकान बन रहा था, सरकार किसी के लिए? आप खोजिए ना उस अधिकारी को कि ये मकान कैसे बन गया बिना निर्माण के। आप केवल देख लेंगे मुसलमान, आप देख लेंगे ये समाजवादी पार्टी का है तो आप घर गिरा देंगे। और अगर बुलडोजर आपका इतना ही निष्पक्ष है तो क्यों नहीं चला हाथरस पे, क्यों नहीं चला उन्नाव में, क्यों नहीं चला गोंडा में, क्यों नहीं चला लखीमपुर में, क्यों नहीं चला गोरखपुर में, क्यों नहीं चला लखनऊ में? आप बताइए ना। आपका वो कह रहे हैं कि वहां पर अवैध निर्माण नहीं था इसलिए नहीं चला, जहां अवैध निर्माण था वहां चला दिया। नहीं देखिए, अवैध और गैर अवैध तो सरकार तय करती है ना। मानक जी हम सरकार में हो, राकेश त्रिपाठी का मकान अवैध, मानक गुप्ता का अवैध, हम जिसका गिराना चाहे उसका अवैध, और आप नोटिस की बात कर रहे थे। नोटिस में होता है, नोटिस चिपकाई गई 20 तारीख को और डेट पड़ी है 10 तारीख को और 21 तारीख को गिरा दिया गया। आप भी सरकारी कामकाज जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, बस बात यह है कि निष्पक्ष होकर के कौन उसको स्वीकार करता है। अब देखिए, आपने इशारों इशारों में बता ही दिया कि आपकी सरकार आई तो आप राकेश त्रिपाठी का घर गिराने वाले हैं, मतलब बीजेपी के लोगों पर कार्रवाई आप करने वाले हैं, उनके घर आप गिराएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, दल के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई कानून तोड़ेगा तो फिर उसको तोड़ेंगे, उसमें क्या है? हाँ तो फिर दिक्कत क्या है? फिर ये भी तो यही कर रहे हैं, ये भी तो यही कह रहे हैं। ये और सुनील एक चीज और बताऊं आपको, आप भी जानते हैं, देखिए आप तो जमीन से जुड़े हैं, बल्कि आप नेता हैं, आप जमीन पर भी बहुत समय बिताते हैं, अखिलेश जी भी बहुत समय बिताते हैं, आप भी जानते हैं, देश में किसी भी राज्य में चले जाइए, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी छोटे कस्बे नगर में चले जाइए, आपको 100% लीगल कंस्ट्रक्शन कितने मिलेंगे आप भी जानते हैं। ये कैसे अधिकारियों की नाक के नीचे, नगर निगम की नाक के नीचे इलीगल कंस्ट्रक्शन हर मोहल्ले में आपको मिल जाएगा सुनील। दरअसल उसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उठा रही हैं। जो बात आपने कही कि जो व्यवहारिक नेता होगा या व्यवहारिक अधिकारी होगा, अगर आप कहीं मकान बना करके 10-15 साल से रह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ?
कि 15 साल से सरकारें क्या कर रही थी, 15 साल से अधिकारी क्या कर रहे थे, बिल्कुल 15 साल से कर्मचारी क्या कर रहे थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इस पर तो व्यवहारिक बिल्कुल सही कह रहे हैं। राकेश जवाब दीजिए, उसके बाद अखिलेश जी के पास जा रहा हूं। बोलिए राकेश। देखिए मैं देखिए सुनील यादव जो कह रहे हैं ना कि सरकार इनकी आएगी तो बुलडोजर चलाएंगे, इनकी सरकार में देश के साथ बता रहा हूं और इसको तस्दीक करा लीजिएगा। 29/4/2016 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे और समाजवादी पार्टी के विधायक रामपाल यादव के घर पर सीतापुर में और लखनऊ में उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर अखिलेश यादव जी ने चलवा दिया था। क्यों चलवा दिया था? क्योंकि वो जिला पंचायत अध्यक्ष अपने बेटे को लड़ाना चाहते थे अखिलेश यादव जी की इच्छा के विरुद्ध। अखिलेश जी की इच्छा के विरुद्ध चुनाव लड़वाना उनके ही विधायक को भारी पड़ गया, उसके घर पर बुलडोजर चलवा दिया था। तो आपका तो दामन कितना दागदार है, आपका इतिहास कैसा रहा है ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। आप तो विरोधियों को तो छोड़िए, आपने तो हमारे दो विधायक सुनील साजन छोटा सा जवाब जल्दी से सुनील जल्दी बोलिए सुनील साजन। मैं मानक जी, मैं राकेश जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने याद दिलाया कि माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने ही यादव विधायक के खिलाफ बुलडोजर चला दिया। हम इनको याद दिला रहे हैं, हाथरस में बुलडोजर इसलिए नहीं चला कि ठाकुर थे, उन्नाव में इसलिए नहीं चला कि ठाकुर थे, आप बताइए गोंडा में इसलिए नहीं चला कि ठाकुर थे। राकेश जी आपकी बिरादरी पे भी बुलडोजर चल जाता है, आप तो टीवी पर उनकी पक्ष रखते रहते हैं। बताइए मां बेटी आप तो याद बुलडोजर की इच्छा के विरुद्ध कोई गया तो यादव भी नहीं बचने वाला है, वो सैफई कुर्मे का नहीं होगा। सुनील जी आपका घर भी बुलडोजर चल जाएगा, एक दिन अखिलेश जी की बात के विरुद्ध बोल कर तो दिखाइएगा, बुलडोजर आपके घर भी चल जाएगा। नहीं, छोड़ेंगे आपको भी नहीं। कोई देखिए हम लोग दोष भावना के तहत कोई काम नहीं करते ना कभी करेंगे। ये मानक बताइए रामपाल यादव कहके जा रहे हैं, रामपाल यादव के कार्यक्रम में कहके जा रहे हैं। आप जैसे अच्छे भाजपाइयों को डरने की जरूरत नहीं है, 27 के बाद आपका घर नहीं गिरेगा। ठीक है, अखिलेश प्रताप सिंह को लाइए।